वेलकम बैक अगेन टू स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो इसमें इसके पहले के वीडियो में एक्सरसाइज 17.4 उसमें क्वेश्चन 3 तक हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.4 जो है कोर्डोवा के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, वन टेल, मोर देन टू हेड्स, एट लीस्ट वन टेल, लेस देन थ्री टेल्स। तो अलग अलग इसमें हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कॉइन कितने टॉस किए हैं, तो टू कॉइंस को टॉस किया है हाँ। तो हम क्या लिखेंगे, जब टू कॉइन टॉस होते हैं तो फिर सैंपल स्पेस क्या बनेंगे वो पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। सो राइट हियर, सिंस टू कॉइंस टॉस, दो कॉइन को टॉस करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन से रहेंगे, पॉसिबल आउटकम्स आर। अब दो कॉइन टॉस के तो पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे, या तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ठीक है, या फिर दोनों में टेल आ जाए, या फिर एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, ठीक है, या फिर एक में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा। इसके अलावा इसमें कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं फिर, 4। सो राइट हियर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 4 हो गए। अब हमें सबसे पहले फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड। सो वी विल राइट हियर, अब पहले यहाँ पे देखो कि हमें नंबर ऑफ हेड कितने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेड हमें यहाँ पे मिला है और यहाँ पे, इसके अलावा नहीं है, यहाँ पे है लेकिन दो है, हमें सिर्फ एक हेड चाहिए, ठीक है। सो राइट हियर, नंबर ऑफ वन हेड ऑफ टेंड इफ वी गेट, अगर हमें क्या मिला, इफ वी गेट HT, TH मिला तो ही हमें एक हेड मिल सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है वन हेड मिलने के वो कितने हैं, वन, और वन टू सक्सेसेस है। सो राइट हियर, देयरफॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू कितने हो गए, 2। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस यहाँ पे कितने हैं, 2 है। सो राइट हियर, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4 है। सो राइट हियर, 4 दैट इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब देखो सेकंड प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एटमोस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा रहे तो भी चलेगा लेकिन कम से कम यहाँ पे एक हेड होना चाहिए। सो विल राइट हियर, एटमोस्ट वन हेड कब हो सकता है वो पहले हम लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटमोस्ट वन हेड ऑब्टेन इफ वी गेट क्या मिला हमें, HH, फिर HT, फिर TH। अगर ऐसा मिलता है तो एटमोस्ट वन हेड हो जाएगा, एटमोस्ट यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी रहे तो चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस 1, 2, 3 हो गए। सो राइट हियर, नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू 3। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट
वन एड इज इक्वल टू, अब कितने नंबर ऑफ सक्सेसेस, थ्री है, सो लेट हियर थ्री, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, फोर है, तो थ्री अपॉन फोर ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है नंबर थ्री, नंबर थ्री में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वन टेल की, सिर्फ एक टेल होना चाहिए, है ना, दो टेल नहीं चलेंगे यहाँ पे, तो जिस तरह से वन हेड की फाइंड की वैसे ही वन टेल की फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ वन टेल कैसे अप टू होगा, सो नंबर ऑफ वन टेल ऑब्टेन्ड इफ वी गेट, क्या मिला हमें, तो वन टेल रहेगा, एच टी मिला और टी एच रहा, तो सो विल गेट हियर एच टी एंड टी एच, ठीक है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो कितने हो गए, फिर टू हो गए, देयरफॉर विल राइट हियर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो गए टू, देयरफॉर नाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, अब वही फार्मूला है नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ सक्सेसेस टू है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर है, दैट इज इक्वल टू हो गया वन अपॉन टू, तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फोर, नंबर फोर में हमें किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मोर देन टू हेड्स, यानी टू हेड्स से ज़्यादा होनी चाहिए, अब यहाँ पे अगर देखो जो सैम्पल स्पेस है इसमें सिर्फ दो ही आउटकम रहते हैं, एक तो हेड दोनों हेड रहेंगे या दोनों टेल, या तो एक हेड रहेगा एक टेल, या तो एक टेल रहेगा या एक हेड, यहाँ पे टू से ज़्यादा हेड नहीं है, है ना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ आउटकम्स है वो जीरो हो जाएंगे, सो राइट हियर प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोर देन टू हेड्स ऑब्टेंड इफ वी गेट कितने, थ्री हेड्स मोर देन, मतलब वन से ज़्यादा यानी थ्री हो गए, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दो हेड्स मतलब दो कॉइन को जब टॉस करोगे, अगर तीन कॉइन को टॉस करते तो हो सकता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन टू हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं, जीरो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है फोर, तो आंसर आ गया यहाँ पे जीरो। देखते हैं नंबर फाइव, अब नंबर फाइव में यहाँ पे क्या दिया है हमें, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, एटमोस्ट और एटलीस्ट सेम है, तो कम से कम एक टेल होनी चाहिए, मतलब बिना टेल वाला नहीं चलेगा, सो विल राइट हियर नंबर ऑफ एटलीस्ट वन टेल ऑब्टेन्ड इफ वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो दो टेल का भी चल सकता है, ये रहेगा या फिर एच टी रहेगा या फिर टी एच रहेगा, तो ही एटलीस्ट वन टेल हमें मिलेगी, तो यहाँ नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हो गए फिर, थ्री, देयरफॉर विल राइट हियर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो गए थ्री, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ सक्सेसेस थ्री है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर है, तो थ्री अपॉन फोर हो गए इसकी प्रोबेबिलिटी।
एंड नेक्स्ट विल सी लास्ट नंबर है लेस देन थ्री टेल्स। लेस देन थ्री टेल्स मतलब टू टेल्स भी चलेंगे, वन टेल भी चलेगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर और हाँ लेस देन थ्री टेल्स तो कैसे करेंगे इसको, और जीरो टेल भी हो सकता है फिर, है ना। सो नंबर ऑफ लेस देन थ्री टेल्स, नंबर ऑफ लेस देन थ्री टेल्स ऑब्टेन ऑब्टेन इफ वी गेट, तो यहाँ पे चारों ये पॉसिबल आउटकम रह सकते हैं, चाहे टू टेल्स हो, चाहे वन टेल हो, या चाहे जीरो टेल हो, है ना। सो वी गेट एच एच टी 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 एच और एच टी, ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो ही यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने होते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो गया फोर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन थ्री टेल्स, लेस देन थ्री टेल्स इक्वल टू क्या रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर, तो आंसर आ गया यहाँ पे वन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हम टू कॉइंस को टॉस करते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 एन इवन नंबर, नंबर 2 नंबर ग्रेटर देन 4, 3 अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 अ नंबर लेस देन 8। अब आपको पता है कि डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे रहते हैं, टोटल 6 फेसेस रहते हैं, ठीक है। तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या रहेंगे वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वी विल राइट हियर If a dice is thrown, then possible outcomes are, यानी उसको हम बोल सकते थे सैंपल स्पेस। तो कौन से रहेंगे, या तो वन रहेगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, या फिर सिक्स आएगा। यही सिक्स पॉसिबल आउटकम्स उसमें हो सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए फिर, तो सिक्स हो गए। सो विल राइट हियर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए सिक्स। अब हम लिखेंगे नंबर 1 जिसकी हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, वो क्या है, एन इवन नंबर। अब इवन नंबर यहाँ पे कितने हैं, ये 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। तो इवन नंबर एंड इवन नंबर आर एंड इवन नंबर्स आर कौन से रहेंगे, 2, 4 और 6, यानी कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ये हो गए 3, यानी द पॉसिबल केसेस आर। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, ये हो गए पॉसिबल केसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हो गए फिर, नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू हो गए 3। अब हम फाइंड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देयरफॉर वी राइट हियर नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, नंबर ऑफ सक्सेसेस 3 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, आंसर आ गया इसका 1/2, ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं नंबर 2, नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ग्रेटर देन 4 इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ग्रेटर देन 4, और इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो किसके है, 4 से ग्रेटर यानी 5 और 6 रहेगा, मतलब पॉसिबल केसेस। तो पॉसिबल केसेस लिखेंगे हम, द पॉसिबल केसेस आर k
क्या हो सकते हैं, या तो 4 5 रहेगा या फिर 6 रहेगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है मतलब सक्सेसेस है वो 2 ही है यहाँ पे, देयरफॉर लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस इक्वल टू हो गया 2। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर greater than 4 इक्वल टू, वही फार्मूला है नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वैल्यू पुट अप करो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस 2 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, आंसर आ गया यहाँ पे 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अब नंबर 3 में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके लिए जो पॉसिबल केसेस है वो क्या रहेंगे वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे। द पॉसिबल केसेस आर अब 4 की मल्टीपल सिर्फ एक ही नंबर है, इसमें 4 ही है ना, तो क्या होंगे यहाँ पे फिर पॉसिबल केसेस आर, ठीक है रहने दो कोई बात नहीं, 4 एक ही केस रहेंगे है ना, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस सिर्फ एक है, जब लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू कितना हो गया 1 नंबर ऑफ सक्सेस। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ फोर इज इक्वल टू, फार्मूला वही है नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ सक्सेसेस 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। एंड नेक्स्ट है 4, अ नंबर लेस देन 8, इसमें हमें सभी यहाँ आउटकम्स का यूज हो सकता है ना, क्योंकि ये सभी नंबर 8 से लेस है, तो क्या लिखेंगे हम द पॉसिबल केसेस आर वही रहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हो जाएंगे 6, देयरफॉर लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू 6। फिर फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करना है हमें, गेटिंग अ नंबर लेस देन 8 इक्वल टू, फार्मूला वही है नंबर ऑफ सक्सेसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें आप वैल्यू पुट अप करो, नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो भी 6 है, तो 6/6 यानी हो गया 1। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। Got it?